अगर आप अपना पहला प्लेन बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस एयरप्लेन को स्पेशली मैंने फ्लाइंग प्रैक्टिस के लिए ही बनाया हुआ है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 3 से 4 mm थिकनेस वाली कार्डबोर्ड शीट का इस्तेमाल करें। अब हम टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड को कट करेंगे। सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। ज़्यादा क्लीन कट्स के लिए आप ब्लेड को बदलते रहें। मैंने यहाँ पे पुरानी ब्लेड का इस्तेमाल किया है जिससे कट ज़्यादा अच्छे नहीं है। मैं यहाँ पे वज़न कम रखने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन से ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। मैं यहाँ पे 2300 केवी की ब्रशलेस मोटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई और मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो 2300 केवी की ही हो। ये मोटर माउंट आपको कोई भी वेबसाइट में मिल जाएगा जहाँ पे DIY चीज़ें मिलती हो। सभी कंपोनेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे टेम्पलेट में थोड़े चेंजेस होंगे तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब टाइम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पे मैं 30 एम्पियर का ESC यूज़ कर रहा हूँ जिसे हम डबल साइडेड टेप की मदद से फिक्स करेंगे। ठीक उसी तरह हम रिसीवर को भी फिक्स करेंगे। इस मॉडल में आपको सिर्फ 2 सर्वोस की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे हम रडर को इंस्टॉल नहीं करने वाले, इसलिए। सर्वोस को ग्लू गन से ही फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं जो कंट्रोल हॉर्न्स फिक्स कर रहा हूँ वो 3D प्रिंटेड है। कंट्रोल हॉर्न्स और सर्वो को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 mm डायमीटर का स्टील वायर यूज़ किया है। यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस बनाएंगे जहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर को हम इंस्टॉल कर सकें। ये है हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, इसमें हम डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे।
तो उसके लिए हमें डी स्विच को ऑन रखना होगा। फ्लाइट कंट्रोलर को सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्लेन स्टेबल रहेगा। हमें फ्लाइट कंट्रोलर को एग्जैक्ट सीजी पॉइंट पर ही फिक्स करना होगा, और ध्यान रखिए कि फ्लाइट कंट्रोलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्लेस हो। राइट सर्वो को हम एलिवेटर पोर्ट में और लेफ्ट सर्वो को एलेरॉन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर जो स्क्रूज़ है उससे हम उसकी सेंसिटिविटी और डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अगर आपको लगे कि सेंसिटिविटी कम है तो आप स्क्रू को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन बदलनी है तो भी स्क्रू एडजस्टमेंट से ही वो काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप फ्लाइट कंट्रोलर और रिसीवर के कनेक्शन देख सकते हैं। प्लेन रेडी हो जाने के बाद हम ट्रांसमीटर में सारे सेटिंग्स अप्लाई करेंगे, जो कि एलेवन सेटिंग्स है। मिक्स में जाएंगे, वहाँ पे मिक्स को ऑन करेंगे, चैनल वन और चैनल टू को सेट करेंगे। वैल्यूज़ आपको -100% पे सेट करनी है। नंबर टू में जाएंगे, सेम एज वेल वहाँ पर वही सेटिंग्स अप्लाई होंगे, लेकिन आपको वैल्यूज़ +100 पे सेट करनी है। रिवर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे चैनल वन को रिवर्स करेंगे, और बस इतना हो जाने के बाद हमारा प्लेन उड़ने के लिए रेडी है। लेकिन इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बिगिनर प्लेन है, तो उसे मैंने सस्ता बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं 2S बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे वेट ज़्यादा ना हो और कम स्पीड पर हम कंट्रोलिंग अच्छी खासी कर पाएँ। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तब फ्लाइट कंट्रोलर कैलिब्रेट होगा। उसके लिए हमें हर बार प्लेन को सीधी सरफेस पे रखना होगा। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्लाइट कंट्रोलर को सेकंड मोड में ही रखें, क्योंकि जब हम प्लेन उड़ाएंगे तो जब तक प्लेन स्टेबल नहीं होगा तब तक सर्वोज अपनी पोजीशन में ही रहेंगी। इन शॉर्ट, सेकंड मोड में आपको स्टेबल फ्लाइट मिलेगी।